Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब the famous song चिट्ठी आई है वो रिकॉर्डिंग. अमेजिंग, आपने आज इतनी सारी यादें ताजा कर दी, तो पूरी रिल डेवलप हो गई यादों की. 1970 से 2020 तक 50 years, you know, पूरा रिल, जो पूरी रिल है वो डेवलप हो गई. मैं आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर करने वाली हूँ एंड जी बिल्कुल आप उसके पीछे की कहानी शेयर कीजिएगा. इस सेगमेंट का नाम है नशा फोटो स्टूडियो, जहाँ यादों की रील डेवलप होती है. ओके. एंड जैसे हम फोटो स्टूडियो में जाया करते थे ना, ये जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा कि यादों की रील डेवलप होती है. वाह, बहुत खूबसूरत जी. शुक्रिया. इट्स द टीम दैट्स कम अप विद दिस एंड हम जिसे कहते हैं, जैसे फोटो स्टूडियो में जाया करते थे रील डेवलप करने के लिए, यहाँ पर हम. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हमने तो पूरी जिंदगी उसी में निकाली. सो लेट्स गो थ्रू सम मोर मेमोरीज पंकज जी के साथ. हम नशा फोटो स्टूडियो स्पेशल एंजॉय करेंगे. ये तस्वीर जो है वो मेरे लिए बहुत खास है जी. और खास इसलिए है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया जीवन में. सन 1971 से लेके 79 तक मैंने लगातार 9 साल बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा ब्रेक नहीं मिला कि मैं कह सकूं कि भाई यू नो आई हैव अराइव्ड. ऐसा मुझे कोई ब्रेक नहीं मिला. लेकिन 1980 में सबसे पहला मेरा एल्बम आया जिसका टाइटल था आहट, और आहट वाज माय फर्स्ट एल्बम. एंड उन दिनों आप जानते होंगे कि उन दिनों लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, कैसेट्स भी नहीं थे, देयर वर ओनली लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स. तो आहट का लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड जो था उसके लिए मुझे कहा गया कि वी नीड अ पिक्चर, सो आप एक फोटो शूट करिए. तो आई डिड अ फोटो शूट. दिस वाज माय फर्स्ट प्रोफेशनल फोटो शूट फॉर एन एल्बम. सो मेरी जिंदगी का सबसे पहला एल्बम जिसका फोटो शूट ये था. तो मैंने सोचा कि, तो उस जमाने में एक बहुत मशहूर फोटोग्राफर हुआ करते थे जितेंद्र आर्या जी. तो जितेंद्र आर्या जी वाज अ फेमस फोटोग्राफर हु यूज्ड टू टेक पिक्चर्स ऑफ ऑल द टॉप स्टार्स फॉर फिल्म फेयर. तो फिल्म फेयर में उनकी तस्वीरें छपती थी और ही वाज वेरी गुड एट हिज स्किल, आई मीन एट हिज वर्क एंड एट हिज फोटोग्राफी. सो उनके घर पे मुझे याद है उन्होंने एक छोटा सा बैकड्रॉप जैसा कुछ लगा के मुझे सामने बिठा दिया और मुझे कहा कि कुछ करो. तो ऐसे करके मैं बैठ गया. तो आपने ये किया? तस्वीर तो मैंने ये किया. तो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ माई फर्स्ट एल्बम. इसका कवर था आहट का. जी जी, ये द पिक्चर विद मिस्टर बच्चन. यस. ये तस्वीर जो बच्चन जी से मेरा एक बहुत ही जिसको कहें रूहानी रिश्ता है. आई हैव नोन हिम इन पर्सन. बचपन जी को हमने तो जब जंजीर आई तब से हम उनको जानते हैं थ्रू द सिनेमा मीडियम. बट मेरी उनसे जिसको कहें कि एक सही मुलाकात जिसको कहें, वो एक एक फिल्म शूट कर रहे थे शहनशाह, उसके सेट पे हुई. क्योंकि मेरा एक एल्बम आया था आफरीन, और आफरीन वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एल्बम जिसमें वो भी गजल थी थोड़ी थोड़ी पिया करो वगैरह, बहुत मशहूर गजलें थी उसमें. तो वो आफरीन वाज इन 1986 दैट एल्बम. सो आफरीन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर, एंड इवन टुडे आफरीन रिमेन्स एज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलर ऑफ गजल एल्बम्स इन द हिस्ट्री ऑफ गजल म्यूजिक. एक एक इट्स अ लैंडमार्क एल्बम एज फार एज सेल्स वर कंसर्न. तो आहट आफरीन के लिए मुझे जो म्यूजिक इंडिया विच इज यूनिवर्सल नाउ, तो यूनिवर्सल डिसाइडेड दैट दे वांटेड टू गिव मी अ ट्रिपल प्लैटिनम डिस्क फॉर द सेल ऑफ द एल्बम. तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप
do you have anyone in mind who should come and give you the disc? So they were planning a huge function, a big bash actually, to celebrate the success of Afreen and present me with the platinum disc. तो मैंने कहा कि भाई मेरे जहन में तो एक ही नाम आता है और आप जानते हैं उस दौर में तो बच्चन साहब और इवन आज आप जानते हैं कि बच्चन साहब इज वन एंड ओनली. सो मैंने कहा कि आई वुड लाइक बच्चन जी अमिताभ बच्चन साहब टू कम. सो दे सेड भाई वी हैव नो एक्सेस टू हिम, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली और मैं उनको मिलने गया फिल्म सिटी में. उनकी शूटिंग चल रही थी शहनशाह फिल्म की. So I met him while he was having his lunch during his lunch break. And you know this gentleman, you know, for his discipline and for his punctuality and for his commitment. And, I mean, he's a role model for all of us. So he was expecting me. He said, no problem. I'm having my lunch, but come and sit. So मैंने उनको पूरी बात समझाई कि ऐसे ऐसे है और ये है. तो he said, okay, no problem. मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा. And can you believe that the day of the function, he was shooting at Film City for Shehnshah, and our function was, the time given was 7 o'clock in the evening, and he drove all the way from Film City to Oberoi in city, and he reached the venue 5 minutes before the scheduled time. And I was really surprised. Fortunately, I was there in the hall. Nobody was there, even the media, the press, nobody was there. Arre. So that was our, and then we interacted and we spoke. So us waqt se mera unse kahin na kahin milna ho jata tha, and he was always very affectionate, full of blessings, full of good wishes, and he had probably he was aware of my activities, my music also. So mera aur unka ek silsila aisa raha कि हर साल मैं उनको विदाउट फेल आई वुड सेंड हिम फ्लावर्स ऑन हिज बर्थडे, एंड विच इज सिंस 1986 आई हैव सेंड हिम फ्लावर्स ऑन हिज बर्थडे. एंड दिस ईयर इन द लॉकडाउन आई स्टिल मैनेज टू सेंड हिम फ्लावर्स. सो ही सेंट मी अ ब्यूटिफुल नोट थैंकिंग मी फॉर द फ्लावर्स, सेइंग दैट यू नो दिस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस आल्सो you managed to send me flowers. I really appreciate your words. So he is something whom I really admire. And this picture is very candid. According to me, it's one of the most candid picture I have with Bachchan Saab. This was taken at a release of an album. Jis album mein main, Anup Jalota, Talat Aziz aur ek naye singer hai Subit Tappu, humne milke ek saath mein ek album kiya tha. तो उस एल्बम का लॉन्च था और बच्चन साहब लॉन्च करने के लिए आए थे. एंड व्हाइल द फंक्शन वाज गोइंग ऑन, मैं और बच्चन साहब एक साथ स्टेज पे बैठे हुए थे. क्या बात. सो दिस मस्ट बी लेट 80s और 90s. अबाउट नहीं, अभी 8-9 साल पहले की बात है. तो 7-8 साल पहले. सो ही वी वर चैटिंग एंड ही वाज टेलिंग मी कि ये म्यूजिक कितना मुश्किल काम है. एंड ही वाज सेइंग कि उन्होंने सरोद सीखने की कोशिश की थी. And he said, इतना मुश्किल है. तो उस बात से कोई ऐसी बात निकली तो you can see that we are both, you know, we both burst out laughing. ये हमारी next तस्वीर है. This picture I saw is with Anand Bakshi ji. Again, this is a landmark picture in my life because ऐसी तस्वीरें हर रोज you know बनती नहीं, और अगर बन जाती है तो वो मेरे ख्याल से एक इतिहास बन जाता है. ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब the famous song चिट्ठी आई है was recorded. क्या बात. चिट्ठी आई है was written by बख्शी जी. एंड मैंने 4-5 सीटिंग में बख्शी जी के साथ में बैठा था. एंड बख्शी जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. तो वो बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं गजलें गाता था, इसलिए ज्यादा प्यार करते थे. बिकॉज बख्शी साहब वॉज एन एब्सोल्यूट उर्दू पर्सन. बल्कि आपको जान के शायद ताजुब होगा कि हिंदी फिल्मों के इतने सारे हजारों गाने उन्होंने लिखे, लेकिन वो हमेशा उर्दू में लिखते थे. तो बख्शी जी मुझे ही वाज एक्सप्लेनिंग टू मी सम नुआंसेस ऑफ द सॉन्ग, सम वर्ड्स कि उसको किस तरह से कहना चाहिए. जैसे एक वर्ड था रोटी उस गाने में, कि तूने पैसा बहुत कमाया,
अपने घर में है रोटी, देश पराया छोड़ के आ जा, पंछी पिंजरा तोड़ के आ जा। तो वो उसमें लास्ट जो लाइन है कि अपने घर में भी है रोटी, उम्र 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 बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। तो वो that particular emotion, that particular sentiment he was explaining to me, and this picture was taken. So, and as you know, that Chitti Aayi went on to become an iconic song. So that's my good fortune. But this is a great memory of Bakshi ji. Yes. एक कोई एक line उनके लिए, उनके नाम इस memory के नाम गाने की। Bakshi ji के लिए तो Bakshi ji के मैंने बहुत गाने गाए हैं उनके, लेकिन उनकी ये गजल मुझे बहुत पसंद थी। एक फिल्म की गजल थी वो जो मैं गाता था, एक फिल्म आई थी जवाब, उसमें ये गजल थी। सबक जिसको वफा का याद होगा, मोहब्बत में वही बदनाम होगा। सबक जिसको वफा का याद होगा। दिस इज विथ अनुराधा जी। दिस वॉज वेरी रीसेंट, आई थिंक दिस वॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स अ 2019 पिक्चर। आई थिंक वी बोथ वर ऑन अ फ्लाइट, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वॉज अ फ्लाइट टू कोलकाता वाइल गोइंग और वाइल कमिंग बैक फ्रॉम कोलकाता। आई थिंक अनुराधा जी के साथ, यू नो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई कैन से इन शॉर्ट दैट मैं और अनुराधा जी एक ही कॉलेज में पढ़े हुए। वी बोथ बिलोंग टू सेंट जेवियर्स कॉलेज इन मुंबई, दो शी वॉज जूनियर टू मी, बट अनुराधा जी और मैं एक साथ पढ़ते थे और हमारे सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक संगीत मंडल हुआ करता था जिसके सारे प्रोग्राम में हम दोनों हिस्सा लेते थे। और उस वक्त हम दोनों को ये पता नहीं था कि कभी आगे चल के शी विल बिकम द फेमस अनुराधा पोडवाल एंड आई विल बिकम पंकज उदास और हम लोग साथ में गाना गाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था। आई हैड मूव्ड टू दिस हाउस वेयर आई लिव नाउ जी, एंड माय डॉटर नायाब, शी वाज वेरी अटैच्ड टू मी एंड शी इज ऑलवेज हैज बीन वेरी अटैच्ड टू मी जी। दिस वाज टेकन जस्ट आफ्टर वी हैड मूव्ड टू दिस हाउस, अ न्यू हाउस। This is with Nayab, mere ghar pe. This is in the sitting room of my house. Acha. And which doesn't look like this anymore, but it was in those days. Kis area mein Pankaj ji hamari? I'm at Carmichael Road, which is just off Pedder Road. So, Nayab must have been about 2-2.5 years old, I think. So cute, Nayab ki. Of course, नाम ही इतना खूबसूरत रखा है पंकज जी आपने, बट किस हद तक वो पापा की बेटी है, is she daddy's girl in terms of? Well, she is absolutely dedicated. She is such a wonderful child, and I think I'm fortunate to have a daughter like her because she has given me so much of love and affection that I cannot really talk about because I get emotional when I talk about Nayab. I think it's God's gift. In a, if I had to make a short statement, yes, Nayab is certainly God's gift. Yes. Superb. God bless and all the best to her. Batai Nasha Photo Studio का ये सफर आपको कैसा लगा? We'd love to know how कैसा लगा. Well, amazing. आपने आज इतनी सारी यादें ताज़ा कर दी, and got from 1970s to 2025. I mean 50 years. You know, in what was the sentence you used reel mein kya aapne bataya? Haan, yaadon ki reel develop hoti hai. The puri reel develop ho gayi yaadon ki. 1970 se 2020 tak 50 years, you know, pura reel, jo puri reel hai wo develop ho gayi. Sahi mein. Radio Nasha.